नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारत में कोरोना का कहर, देश में 3,86,452 नए संक्रमित, एक दिन में 3,498 लोगों की मौत, 31 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज। अप्रैल माह में तेजी से बढ़े कोरोना केस, मात्र 30 दिन में आए 66 लाख मामले, 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश में उपचाराधीन मामलों में से 78.18% मामले 11 राज्यों में से सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने बढ़ाया मानसिक रोग का ग्राफ, संक्रमण से बच रहे लोग मानसिक रोग का हो रहे शिकार, मानसिक रोग के मामलों में हुआ करीब 20% का इजाफा। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ के करीब, कुल संख्या 1,87,62,976 हुई, अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल हुए कोरोना संक्रमित, हल्के लक्षणों के बाद अपने आवास में ही हुए आइसोलेट, कहा पृथकवास में रहते हुए जारी रखेंगे काम। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर को बताया राष्ट्रीय संकट, अधिकारियों को लगाई फटकार, कहा मदद की गुहार लगा रहे लोगों को नहीं कराया जा सकता चुप। कोरोना संकट के बीच रेमडेसिविर की 4.5 लाख खुराक आयात करेगी सरकार, दूसरी लहर के कहर के बीच सरकार ने दवा मंगाने का दिया ऑर्डर, 75,000 शिशुओं की पहली खेप जल्द पहुंचने की उम्मीद। बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह का कोरोना से निधन, पटना के ही पारस अस्पताल में चल रहा था इलाज, 15 अप्रैल को आई थी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। कोरोना के कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, कहा सोशल मीडिया पर मदद मांगने वालों पर कार्रवाई हुई तो मानी जाएगी अदालत की अवमानना। शूटर दादी चंद्र तोमर का कोरोना संक्रमण के बाद हुआ निधन, चंद्रो ने अपनी देवरानी प्रकाशी तोमर के साथ सीनियर सिटीजन होने के बाद पहली बार उठाई थी बंदूक। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें। शूटर दादी चंद्र तोमर को फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू और भूमि पेडन करने दी श्रद्धांजलि, चंद्रो तोमर और प्रकाश तोमर पर बनी फिल्म सांड की आंख में किया था दोनों अभिनेत्रियों ने काम। राजस्थान के गंगानगर जिले में एक ग्राम पंचायत में 127 व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित, अधिकारियों ने ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी के अध्यक्ष को जारी किया नोटिस, शिक्षा मंत्री के हस्तक्षेप के बाद वापस लिया गया नोटिस। राहुल बजाज ने छोड़ा बजाज ऑटो का चेयरमैन पद, देश के सफलतम उद्योगपतियों में शामिल है राहुल बजाज, नीरज बजाज होंगे कंपनी के नए चेयरमैन। इजराइल के यहूदियों के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान भगदड़, हादसे में 44 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा लोग घायल। माउंट मैरोन में वार्षिक धार्मिक आयोजन लागबी उमर में बड़ी संख्या में लोग हुए थे जमा। यूपी में पिछले 24 घंटे में सामने आए 34,626 मामले, इस दौरान 323 लोगों की हुई मौत। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन, सरकार ने गुरुग्राम फरीदाबाद समेत 9 जिलों में सप्ताहांत पर लॉकडाउन की घोषणा की। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, बीएससी के सेंसेक्स ने लगाया 984 अंक का गोता, निफ्टी में भी 264 अंक की गिरावट। 34 साल के बॉडी बिल्डर जगदीश लाड का कोरोना से निधन, वडोदरा के अस्पताल में चल रहा था उपचार। अक्षय कुमार की मूवी बेल बॉटम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज, हॉटस्टार से डील हुई पक्की, रंजीत एम तिवारी की फिल्म में अक्षय, वाणी कपूर, लारा दत्ता, हुमा कुरेशी जैसे कलाकार। फिल्म अभिनेता और निर्देशक रणधीर कपूर को आईसीयू में किया गया शिफ्ट, रणधीर के अनुसार सब कुछ अंडर कंट्रोल, रणधीर कपूर है कोरोना पॉजिटिव। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि विजिट कीजिए webdunia.com। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।